थाना बिलारी में मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां मजदूरी के रुपए मांगने गए एक अधेड़ युवक को बुरी तरह पीट दिया गया। रामलाल निवासी ढकिया नरू थाना बिलारी के साथ प्रेम और उसके भाई ने मारपीट कर रामलाल को बुरी तरह जख्मी कर दिया। रामलाल का आरोप है कि शाम करीब 4 बजे अपने लगभग 300 रुपए मांगने प्रेम के घर गया तो प्रेम पैसे मांगने को लेकर भड़क गया और गाली गलौज पर उतारू हो गया। गाली गलौज का विरोध किया गया तो प्रेम और उसके भाई ने चाकू और बेल्टों से हमला कर दिया। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के द्वारा भी समझौते का दबाव बनाया गया। अब पीड़ित ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। सफाई के काम करते हैं हम, कूड़ा उठाते हैं, उनके महीने का अपने आप ही झाड़ू मारते हैं, उनसे कहते हैं महीने में जो पैसे दे दे करेंगे, कूड़ा हमारा उठाकर डाल दिए करिए। तो 2 महीने के पैसे मैं इकट्ठे लेने गया तो पैसे तो ना दिए, गाली गलौज करने लगे, फिर जो थप्पड़ मार दिया मेरे, और थप्पड़ मार के जो है एक भाई पास में ही चाय की दुकान है वो भी आ गया भाग के, तो एक ने कोरिया भर लिए मुझे और एक ने जो है गद्दी के नीचे से चक्कू निकाल के मेरे सिर में मार दिया। थाने में पहुँचे आप, एक हल्का दुर्गा कहने निकला आप पहुँचो हम आ रहे हैं, तो हम पहुँच गए, तो फिर जो है घर पर पहुँच गए, दरोगा जी पहुँचे वहाँ पर तो बोला आ जाओ फैसला कर लो। तो सरकार तो कहती है कि इस टाइम हमने बहुत सख्ती कर रखी है, सब बदमाश हमने सलाखों के पीछे भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक दलितों का उत्पीड़न नहीं रुक पा रहा है। जो समाज में बैठे हुए लोग हैं जिन्हें सभ्य लोग समझते हैं वो दलितों पे उत्पीड़न कर रहे हैं। जाति से वो पंजाबी हैं जिन्होंने मारा है दोनों भाई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, दलितों का उत्पीड़न रुकवा के रहेंगे, रुकवा कर। क्षेत्र के दरोगा जी कह रहे हैं कि फैसला कर लो, हम चाह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि मेडिकल भी देखो पुलिस के द्वारा कराया गया है।